अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू यूमर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज का जो हमारा ट्रिप है, इंशाल्लाह हम लोग जा रहे हैं शाहरान फॉरेस्ट के लिए। अभी यहाँ बालाकोट के अंदर बहुत अच्छा एक होटल है, वहाँ पे हम इंशाल्लाह ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद इंशाल्लाह आगे अपना सफ़र को शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सफ़र अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। शाहरान में जीप ट्रैक है, शाहरान में हाइकिंग है, तो इंशाल्लाह आपको साथ साथ चलाते हैं, देखते हैं। स्टॉप किवाई वाटरफॉल है, किवाई वाटरफॉल से हम जीप पकड़ेंगे और फिर ठीक है। मुझे सैफ ये बता दो भाई कि शाहरान से शाहरान जीप ट्रैक जो है वो कितने टाइम का है? एक घंटे का। ये बेसिकली पारस से शुरू होता है, कगान के एरिया पारस, ठीक है, ट्रैक शुरू होता है और तकरीबन ये एक घंटे का ट्रैक है। उसके बाद आप टॉप पे पहुंचेंगे शाहरान फॉरेस्ट में, उसके बाद आपकी हाइक है तकरीबन 15 से 20 मिनट की। आप ये हीरो भाई आपके साथ कौन खड़े हैं? हमारे बहुत ही प्यारे क्लाइंट है, इनका भी सुना है, यूट्यूब चैनल है, लेकिन मैं खुद अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। स्पेशली मैं खुद ट्रैवलिंग वगैरह ब्लॉग्स करता हूँ, बट यूट्यूब आज हमारे मोहम्मद उमर भाई करेंगे, कवर करेंगे सारे सीन्स को, सारे जो ब्यूटी है कागान की और शाहरान फॉरेस्ट की। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मोहम्मद उमर, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह किवाई तक हमारा सफ़र पूरा हो गया, ये जीप्स खड़ी हुई हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जीप पे बैठेंगे, जीप पे बैठ के तो आगे की तरफ ट्रैवल करेंगे। तो देखते हैं, जीप्स बड़े मज़े मज़े की हैं जी। अब हमारे हिस्से में कौन सी जीप आती है वो भी आप। जीप अभी खड़ी है लेकिन रास्ता ब्लॉक हो गया है, पीछे भी हालात ऐसे बन गए हैं कि दो गाड़ियां एक उधर आ गई है, जिसकी वजह से जीप बंद, रास्ता बंद हो गया जी। खैर गाड़ियां पीछे करेंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है जी। गाड़ियां, हाँ जगह ऐसी है कि एक गाड़ी को पीछे करके तो जीप को यहाँ लाएंगे, फिर वो दोनों गाड़ियाँ आगे की तरफ जाएंगी, तो फिर ये व्यू देखें, इतना मज़े का व्यू है। तो बस खैर चलते हैं आगे। ये तो खैर जीप सी बेहतर है यहाँ तक आने के लिए। ये अब 4x4 गाड़ियाँ हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो ट्रैवल करना है तो फिर जीप ही सबसे बेस्ट है। तो चलते हैं, जीप अभी आ रही है तो बस फिर जाते हैं, देखते हैं। एक जीप हमारी आगे है, बट साहब दूसरे शोगरान चले गए और मैं यहाँ आ गया, तो ये जीप आ रही है, इंतज़ार करते हैं इसका कि पास आ जाए तो फिर बैठ जाए। जीप्स फिर दोबारा से ब्लॉक हो गया रास्ता, तो मैंने सोचा आपको व्यू दिखा दूँ। ट्रैक ऐसा ट्रैक है, व्यू देखें कितना प्यारा है माशाल्लाह। फ्रंट पहले की एक जीप तो खैर आ रही है, हमारे वाली पीछे है। अल्हम्दुलिल्लाह जीप का ट्रैक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। कैसा चल रहा है? आप तो सो रहे थे मैंने देखा भाई, वो स्लीपिंग। मैं यकीन करें ये 25 साल की ज़िंदगी में दिस इज़ वन ऑफ द शिटीएस्ट, ठीक है आप कह सकते हैं, बहुत ही हैक्टिक। आप एनर्जी ड्रेन कर देती, दो घंटे मुसलसल गाड़ी में बैठ रहे हैं आप, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हमारा एक बंदा है उसकी पथरी थी किडनी में, वो भी निकल गई। ये देखें जनाब जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे उतर चुके हैं, अब आगे हाइकिंग है, उसको देखते हैं। तो है नहीं तो कहीं से कोई लकड़ी वकड़ी पकड़ेंगे और चलें भाई।
ट्रैक काफ़ी मुश्किल है और आज तो शूज़ वगैरह भी नहीं पहने। खैर ये बहुत प्यारी सी एक छोटी सी आबशार देखें, पानी की आवाज़ और इतने मज़े की, काफ़ी अच्छा व्यू है यार माशाल्लाह यहाँ तक तो। खैर मैं पहले शहरान आया हूँ, आप ये जंगल देख सकते हैं, धूप है यहाँ का, मज़ा आता है मौसम ऐसे हसीन हो। हसीन से मुराद जो मेरा ब्लॉग देखते हैं उन्हें पता होगा, हसीन से मुराद है कि बारिश वाला, बादलों वाला। तो ये पीछे पीछे जनाब घोड़े आ रहे हैं, जो वापसी पे लोग हाइक नहीं कर सकते ऊपर जाने के लिए, तो फिर ये घुड़सवारी है, हॉर्स राइडिंग है, लाइक आप इन्हें पे कर सकते हैं तो ऊपर आ सकते हैं। एक नीचे से ऊपर आप कितने पैसे लेते हैं? 1500 रुपये लेते हैं जी, डिस्काउंट खैर ये करते हैं, 1500 ही एग्जैक्ट नहीं होता। नीचे जाते हैं देखते हैं। खैर बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, पानी का शोर, पानी का शोर आपको महसूस हो रहा होगा, जगह आप देख रहे हैं कितनी प्यारी है, जंगल और बीच में पानी, दिखाते हैं छोटी सी आबशार भी है, नीचे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं दिखा। हालत बहुत बुरी हुई हुई है, जीप का जो ट्रैक था वो काफ़ी ज़्यादा। अभी आप यहाँ नीचे उतरने के लिए भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन सुकून तो है यहाँ पे, सुकून है, लोग फैमिलीज के साथ लोग आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। नीचे जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, आपको दिखाते हैं मज़े मज़े के व्यूज़, इंजॉय करवाते हैं आपको। ये यहाँ पे पहुँचे हैं जनाब, वहाँ से कहीं से हम लोग आए हैं, तो पता नहीं कहाँ से आए हैं, तो खैर पहुँचे हैं अभी। एक वो जगह है वहाँ से उस साइड पे जाने की कोशिश मैं करूँगा इंशाल्लाह, देखते हैं। वहाँ आगे एक पत्थर पड़ा हुआ होता था, अभी पता नहीं फिलहाल वो यहाँ पे है या नहीं। क्या हाल है, क्या नाम है आपका, ऊंचे बोलो। उजैर। उजैर कैसे हो? उजैर आपकी आंखें बड़ी प्यारी हैं यार माशाल्लाह, आप कैसे हो? क्या नाम है आपका? तोयब। ये चाय कितने की है यार? 130 का कप। वाह जी वाह, बड़ा मजा आ गया जनाब, थैंक यू। यहाँ पे ये पानी जो यहाँ ऊपर से आ रहा है, तो यहाँ से एक आबशार यहाँ पे भी है, इसको मैं प्रॉपर आपको व्यू नहीं दे सकूँगा, फैमिलीज़ खड़ी हैं, मुनासिब नहीं लगता। तो खैर बहुत प्यारा व्यू, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, थोड़ा जाहिर सी बात है सफ़र था, मुश्किल थी लेकिन बहुत अच्छा था। शाम का खाना बट साहब इंशाल्लाह हमें खिलाएंगे उसी रेस्टोरेंट में इंशाल्लाह जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया था। ये दोनों फिर शहजादे आ गए हैं, अल्लाह हाफिज़। ये सलाम नहीं कर रहे, थोड़ा चाय चाय हैं।
तो खैर चलते हैं, जाने का दिल तो जहरी सी बात नहीं करता ऐसे सुकून वाली जगह से, लेकिन बट साहब गुस्सा करेंगे कि आप इतना लेट क्यों हो गए। तो यहाँ से अभी चलते हैं ऊपर, इंशाल्लाह पहुँचते हैं, खाना खाना है। आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। शाहरान का जो ट्रिप था माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। थोड़ा थक गए, थोड़ा नहीं खैर काफ़ी ज़्यादा थक गए, लेकिन बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। अभी उसी होटल में जहाँ पे सुबह नाश्ता किया था उसी में हमने डिनर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ से बालाकोट से निकल रहे हैं इस्लामाबाद के लिए। तो बस बहुत शुक्रिया। मेरे पीछे नशा पियो।